सो हेलो गाइज, आज से लगभग एक महीने पहले मैंने ये पागल वेवड़ा वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मल्टीप्लेयर वाला सीन दिखाया था जिसपे करीबन 60,000 व्यूज है। और इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैंने मल्टीप्लेयर मोड ऑन कैसे किया। ये करना बहुत ही आसान है, मैं इस वीडियो में आपको ये सिखा दूँगा। पहले तो आपको कोई भी गाड़ी ले लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपनी फॉर्चुनर। उसके बाद हमें फॉर्चुनर के बगल में कोई भी एक बाइक रख देनी है। मैंने यहाँ पर रख दिया है पल्सर RS 200। फिर हमें इन दोनों व्हीकल्स के बीच में जाकर खड़ा हो जाना है। और यहाँ पर जैसे ही दो व्हीकल्स आएंगे तो हमें अपनी बाइक पर बैठ जानी। हमारी बॉडी तो बाइक पर बैठ जाएगी लेकिन हमारी आत्मा कार के अंदर बैठेगी। और बाद में हमें अपनी बाइक को लेकर इस फॉर्चुनर के सामने जाकर खड़ा हो जाना है। और बाद में हम जैसे इस कैमरे वाले आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लेयर मोड ऑन हो जाएगा और हम हमारे प्लेयर को गाड़ी के अंदर से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने उस पागल बेवड़े वाले वीडियो में किया था। और इस पंडित को तो कार के अंदर से बैठने के बाद कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाल फिलहाल हम इसको जल्दी से बाइक पर बैठा कर इसके मजे लेते हैं। अब मैं इसके पीछे इसको उड़ाने के लिए भागता हूँ और देखो ये कितना तेज चल रहा है, क्योंकि इसकी इस बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। इसकी बाइक तो पैर पर अड़ गई, अब तो मैं इसका आराम से उड़ा सकता हूँ। अरे ये तो बच गया। अब मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ता हूँ और उसको वैसे ही ठोकता हूँ जैसे कि मैंने उस पागल बेवड़े को कार में ठोका था। ओह ये तो बच गया। अरे भाई मुझे लगता है इसको तो गुस्सा आ गया। अरे मुझे इसके ऐसे मजे नहीं लेने चाहिए थे। अभी ये क्या कर रहा है? अरे इसने तो बच्चों का निकाल लिया, अब मैं क्या करूँगा? अभी क्या कर रहा है? इस साइड कि ये बजूका ना मेरे पे छोड़ दे। ओ भाई इसने क्या कर दिया, इसने तो अपनी बाइक को ही फोड़ डाला, लगता है पागल। ओ भाई इसने तो अपने आप को फोड़ लिया, मतलब मैं भी गया, क्योंकि मैं भी तो उसी का आत्मा हूँ। तो मैंने उस पागल बेवड़े वाले वीडियो में इसी प्रकार मल्टीप्लेयर मोड को ऑन किया था। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।